गैस सिलेंडर ट्रक लूटकांड का खुलासा। लूटे गए 306 गैस सिलेंडर बरामद। यूपी की सीतापुर पुलिस ने बिसवा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक ट्रक ड्राइवर जंग बहादुर से मारपीट करते हुए ट्रक में भरे 306 ईंधन गैस सिलेंडर और ट्रक को लूट कर फरार होने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। ये 18 तारीख को बिस्वा चैनल क्षेत्र में एक ट्रक ड्राइवर को बांध कर उसको नहर के किनारे पे बांध कर डाला हुआ था। उनसे तब पूछताछ करने के समय पे ये पता चला वो लखनऊ से वो सिलेंडर भरा हुआ 306 सिलेंडर भरा हुआ ट्रक लेकर आ रहे थे। तो बख्शी तालाब के आगे दो लोग उनके गाड़ी को रोककर अंदर सवारी के तौर पर बैठे हुए थे और उसके बाद उनको पेपर स्प्रे डालकर उनको बांध कर पीछे डाल दिया था। फिर इस ट्रक को लेकर वो भाग गए थे। तो उसी उन्हीं के तहरीर के आधार पर मुकदमा लूट का मुकदमा लिखा गया है और उसी दिन CO बिस्वा और उनके क्राइम ब्रांच की टीम उस गाड़ी को बाराबंकी में बरामद किया है। उसके आगे पूछताछ और सिलेंडर्स के कंटेनर को और सिलेंडर को ढूंढने में तानगांव में एक गैस एजेंसी में वो पूरा सिलेंडर बरामद हुआ। इस घटनाक्रम में कुल 8 लोग इसमें शामिल थे। इस घटनाक्रम करने में एक गैस एजेंसी का मालिक उसने दो लोगों को हायर किया है और उनको 3 लाख दिया देकर इस काम को अंजाम दिया था। वो 3 लाख भी बरामद हुआ और ड्राइवर से लूटा गया मोबाइल फ़ोन और इन्होंने पेपर्स पे यूज़ किया वो भी बरामद किया है। इसके साथ ट्रक और कितना भी 306 सिलेंडर 100% बरामद भी इसमें किया गया है और स्वाट टीम CO बिस्वा सारे टीम तुरंत गति से इस घटना को वर्कआउट करने में सफल प्राप्त हुए हैं।